मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन दो चीज होते हैं जो हमें बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन मोटिवेशन और डिसिप्लिन कौन सा हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है? अगर कोई हमें मोटिवेट करता है तो हम पूरा मोटिवेट हो जाते हैं और हमारे गोल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन से 5 या 6 दिन के लिए रहता है, उसके बाद फिर जैसा कि वैसा। लेकिन डिसिप्लिन ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है। हाँ, मोटिवेशन चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन ही वो एक ही चीज़ है जो हमें हमारे मंजिल तक, हमारे गोल तक पहुँचा सकती है। ठीक है, तो मोटिवेट रहिए हमेशा, और वो मोटिवेशन को यूज करके डिसिप्लिन बनाइए अपने लाइफ को। हमेशा डिसिप्लिन से पढ़िए, हमेशा एक टाइम टेबल बना के पढ़िए, तो आप जो मंजिल में जा रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट वाला मंजिल ऑफ इंडिया का, वो मंजिल तक आप पहुँच सकें। ठीक है, तो हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। हम पढ़ रहे हैं IIT मैथमेटिक्स फाउंडेशन। तो आज हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स को, और रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना 2 टाइप में हम पढ़े थे। फर्स्ट वन इज फ्रैक्शनल फॉर्म, एंड आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सपोज 2.3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। ठीक है, वेरी सिंपल, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ओके, तो ये होगा 2.3। 2.3 कहाँ होगा? 2 और 3 के बीच में। ठीक है, 2 less than 2.3 less than 3। तो इसको कितना कितना भाग में डिवाइड करेंगे? 10 पार्ट्स में। वेरी गुड, मतलब कितना लाइन खींचना पड़ेगा? 9। ओके, तो 2.3 2.1 2.2 2.3, ये हो गया आपका 2.3। ठीक है, तो इसी तरह 2.51 कैसे करेंगे? ये किस किस के बीच में रहेगा? 2 और 3। वेरी गुड, तो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो ये 2 और 3 के बीच में रहेगा, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4। अगर हम डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा दो नंबर्स के बीच में जो मतलब गैप्स हैं उनको 10 भाग में ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेसिमल है, डेसी मतलब 10। ओके, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10 हो गया। फिर क्या करना है? 2.5, ये किस किस के बीच में रहेगा? 2.5 इज लेस देन इक्वल टू 2.51 इज लेस देन 2.6। ओके, सॉरी, 2.5 इज लेस देन 2.51 इज लेस देन 2.6, राइट? 2.5 और 2.6 के बीच में रहेगा कि नहीं? तो 2.5 कहाँ है? 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आपका 2.5, ये हो गया आपका 2.6, राइट? हम क्या करेंगे, मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा है 2.5 और 2.6 के बीच में, जो छोटा सा हिस्सा है इधर रहेगा ये, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे? जूम करेंगे। वेरी गुड, आज समझ में आ गया ना? ऐसे ही करना है, 2.5 और 2.6। तो फिर इसको कितना पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 10 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। ओके, फिर क्या करेंगे? ये हो गया आपका 2.5, ये हो गया 2.51 2.52 2.53 etc. सो ये हो गया आपका 2.51, ये हो गया आपका आंसर। इधर इन डाउट? नो डाउट इज देयर। सो ऐसे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, तो हम आगे तक जाके इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? चलिए देखते हैं, इसको छाप लो। ठीक है, छाप लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल रिकरिंग डेसिमल वाला। सपोज 3.51 बार, इसका मतलब क्या है? 3.51 ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? लेकिन इस मतलब केस में हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया होगा कि जो डेसिमल में आप, जो नंबर लाइन में आपको इसको एक्सप्रेस करना है, वो सर्टेन डेसिमल प्लेसेस तक ही करना पड़ेगा, वो दिया होगा आपको। कैसे? ऐसे, सपोज रिप्रेजेंट 3.51 बार अप टू 4 decimal places इन नंबर लाइन। ओके, मैं नहीं लिख रहा हूं, इन नंबर लाइन, नंबर लाइन आपको रिप्रेजेंट करना है 3.51 बार को, कितना डेसिमल प्लेस तक? 4 decimal places तक। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? 3.51 अप टू 4 decimal places, मतलब क्या? 3.51 यही तो है ना?
हो गया आपका, इज देयर एनी डाउट? वेरी गुड। तो इसको रिपेन कैसे करना है आपको आता है, फिर भी मैं कर दे रहा हूं। ये किस किस का बीच में रहेगा? थ्री एंड फोर। वेरी गुड, जीरो वन टू थ्री फोर, ये हो गया आपका माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। थ्री और फोर के बीच में रहेगा तो इसको क्या करेंगे, जूम कर देंगे। वेरी गुड, ये हो गया आपका थ्री और फोर को जूम करेंगे तो भी होगा, लेकिन एक मतलब एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये बीच वाले को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा हमारा काम हो जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओके। ये हो गया आपका 3.5 और 3.6 और 3.6 को हम जूम करेंगे, ये हो गया आपका 3.5, ये हो गया आपका 3.6। हम कुछ नहीं किए हैं, हम क्या किए हैं सर, ये 3.5 और 3.6 के बीच में जो थोड़ा सा गैप है उसको थोड़ा जूम कर देंगे, क्योंकि ये जो छोटा सा हिस्सा है इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको जूम कर दे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। फिर ये कौन कौन सा नंबर के बीच में रहेगा, 3.51 और 52 के बीच में रहेगा, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका 3.51, ये हो गया आपका 3.52। ये नंबर के बीच में फिर हमें क्या चाहिए, एक्चुअली हमें 3.5151 चाहिए ना। तो 3.5151 कौन कौन सा नंबर के बीच में रहेगा, पहले हम देख लिए कि 3 और 4 के बीच में रहेगा, फिर सेकंड स्टेप में 3.5 और 3.6 के बीच में रहेगा, फिर थर्ड स्टेप में 3.51 और 3.52 के बीच में रहेगा, है कि नहीं? उसको जूम कर लिए तो ये हो गया आपका 3.51, ये हो गया आपका 3.52, इसको फिर 10 पार्ट्स। आ गया समझ में? फिर कौन कौन सा नंबर के बीच में रहेगा, 3.515 और 3.516 के बीच में रहेगा, हाँ कि नहीं? तो 3.515 कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये और ये हो गया आपका 3.515 3.516, इसको फिर क्या करेंगे हम जूम करके 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3.515 और 5.5 3.516 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया। तो क्या करना है, 3.5151, ये हो गया आपका 3.5151 आंसर, ओके, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है? तो ये टाइप का प्रॉब्लम आपको क्लास 9th के बुक में मिल जाएगा, आप क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पे जाइए, ओके। कौन सा मतलब, मुझे लगता है थार एक्सरसाइज, चैप्टर 1 का थार एक्सरसाइज पे ये वाला प्रॉब्लम मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर का शोइंग इन नंबर लाइन, इधर एन डाउट? सो नाउ लेट्स गो फॉर इरेशनल नंबर्स, हाउ टू शो इरेशनल नंबर्स इन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स मतलब कौन सा, रूट टू रूट थ्री रूट फाइव एटसेट्रा, ओके। ये वाला नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, पहले चलते हैं रिप्रेजेंट करते हैं रूट टू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन में। तो क्या करेंगे, मेरे पास तो कंपास नहीं है इसलिए मैं पेन में बता रहा हूँ आप, लेकिन किस में करना, कंपास में करना, ठीक है। कंपास मतलब क्या, राउंडर और पेंसिल, राउंडर पेंसिल स्केल, ठीक है, ओके। सो रूट टू, जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू। रूट टू को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें कुछ चीज को पहले जानना पड़ेगा, रूट टू आता कैसे है, मतलब एक जो लाइन होता है उसका लेंथ रूट टू कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। सपोज मैं उसको वन यूनिट ले जाता हूँ ये लाइन को, ठीक है, राउंडर पे वन यूनिट, मतलब ऐसे एक लाइन खींच के इसको वन यूनिट में कर लिया, ओके, वन सेंटीमीटर सोच लो। यहाँ फिर 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री कैसे करते हैं, 90 डिग्री करके यहाँ फिर वन सेंटीमीटर कट कर दिया, ठीक है, फिर इसको मैं जॉइन कर देता हूँ, ओके। तो ये हो गया आपका वन यूनिट, ये भी हो गया वन यूनिट। ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वन यूनिट है, ये वन यूनिट है, तो ये कितना होगा, चलिए देखते हैं कितना, क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो गया आपका वन स्क्वायर, ये भी हो गया वन स्क्वायर, हाँ कि नहीं? तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इसका मतलब है h स्क्वायर इक्वल टू 2, तो h क्या हो जाएगा रूट 2, h क्या हो जाएगा रूट 2, मतलब ये क्या है, मतलब
ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या, रूट टू। इसको हमें रिपेन करना है यहां, ठीक है। तो क्या करेंगे, जीरो से लेकर वन तक जो हम लिए हैं ये तो वन यूनिट है ना हमारे लिए, यहां हम 90 डिग्री कर लेंगे। 90 डिग्री कैसे किया जाता है तो आपको पता है, मैं नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री। फिर यहां भी 1 यूनिट ही कट करना है। कैसे कट करेंगे 1 यूनिट, हमें पता है कि ये 1 यूनिट है, तो इसको माप लो। कैसे मतलब वो जो कंपास में इसको माप लो और फिर वहां यहां पर रख के इसको कट कर दो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ गया इसको हम इसे जोड़ लेते हैं, अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये हो गया कितना, रूट टू, है कि नहीं। अभी इसको फिर मतलब ये डिस्टेंस लेके इधर कट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये और ये सेम है कि नहीं, तो अगर ये रूट टू है तो ये कितना होगा, रूट टू होगा। सो सपोज इसको नेमिंग करते हैं ए और इस पॉइंट को बी, तो ए बी हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली रूट टू। अब बोलिए कुछ डाउट है, डाउट है, और एक बार समझा देता हूं कि ये अगर 1 यूनिट, ये अगर 1 यूनिट है तो इसका स्क्वायर लेकर अगर स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट टू। ये सेम प्रोसीजर हम यहां, मतलब हम यहां कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई किए हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इधर 1 जो हमारा जो नंबर लाइन में 1 है, 1 के ऊपर एक राइट एंगल हम बनाए और जो लाइन खींचे राइट एंगल के तरफ उसको 1 यूनिट फिर ले लिए। 1 यूनिट कैसे लिए, ये माप है उसका, ठीक है। जो पॉइंट आया वो पॉइंट को हम जोड़ लेंगे किसके साथ, जीरो के साथ। ये हो गया आपका रूट टू। अभी इसको माप लो और सेम मेजरमेंट में यहां कट कर दो, क्योंकि हमें रूट टू कहां चाहिए, रूट टू वाला पॉइंट हमें नंबर लाइन पे चाहिए ना, इसलिए इसको हम यहां कट के, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ गया बी हो जाएगा आपका रूट टू। जैसे ये 1 है, ये 2 है, कहां इसका बीच में 1.4 1.5 था, ऐसे ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है आपका रूट टू। बी पॉइंट कौन सा है, ये जो पॉइंट है बी, ये हो जाएगा आपका रूट टू, ठीक है। इस तरह रूट थ्री कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये हो गया ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रूट थ्री कैसे करेंगे ना, हमें अभी पता चल गया कि रूट टू कौन सा है, कौन सा पॉइंट रूट टू है, बी पॉइंट। हमें हम क्या करेंगे अभी, बी पॉइंट में इसको मैं मिटा जाता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारा रूट टू हो गया ना, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। ये 1 वाला था, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये बी के ऊपर एक 90 डिग्री फिर बनाएंगे, ठीक है। हो गया बी के ऊपर 90 डिग्री। तो फिर क्या करेंगे, बी से ऊपर तक 1 यूनिट कट करेंगे। कितना कट करेंगे, 1 यूनिट, मतलब ये हो गया आपका 1 यूनिट ना, 1 यूनिट यहां से इधर कट कर देंगे। कितना कट करेंगे, ये कट नहीं करना है, कौन सा कट करेंगे, 1 यूनिट कट करना है। क्यों 1 यूनिट कट करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं बता देता हूं। ये इसको फिर वही 0 पॉइंट और ए पॉइंट के साथ हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अभी जो आपका आया ये वाला लेंथ, ये हो जाएगा आपका रूट थ्री, ओके। फिर रूट थ्री हमें कहां रिपेन करना है, नंबर लाइन के ऊपर। तो क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे माप लेके यहां कट करेंगे, हाँ कि नहीं, कट हो गया। ये सपोज हो गया सी पॉइंट, ए सी हो गया आपका रूट थ्री। क्यों हुआ ये, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ये जो नीचे वाला भाग था ओ ए से लेकर बी तक, ये कितना था, रूट टू। हम क्या किए, इसके ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ किए और एक पॉइंट ले गए ये 1 यूनिट वाला और फिर जोड़ दिए। ये हमारा रूट थ्री था ना, तो चलिए इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, फिर हम पता चल जाएगा कि ये कितना है, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है इधर, रूट टू, रूट टू का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर क्या है, 2। 1 का स्क्वायर क्या है, 1। इक्वल क्या है, रूट थ्री, इक्वल थ्री। एच क्या है, रूट थ्री। आ गया समझ में, तो ये हो गया आपका रूट थ्री। सो ये हो गया आपका रूट थ्री, और ये रूट थ्री को हमें ऐसे माप लेके यहाँ डाल देंगे तो ये ऐसी हो जाएगा आपका रूट थ्री। इस टाइप में आप रूट फोर कर पाएंगे कि नहीं, no. नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, रूट फोर इक्वल टू। अगर आप ये रूट थ्री के ऊपर 90 डिग्री करके फिर 1 यूनिट अगर आप ऊपर लेंगे
और ये जो आएगा आपका लाइन, इसको ऐसे फिर मैप लेके अगर यहां कट करेंगे तो वो कट टू के ऊपर ही आएगा, क्योंकि रूट फोर इक्वल टू। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं। फिर रूट फाइव कैसे करेंगे, टू के ऊपर रूट फाइव कैसे करेंगे, टू के ऊपर एक 90 रिकॉर्ड करेंगे, ऊपर ले जाएंगे वन, तो टू का स्क्वायर हो गया फोर, ये हो गया वन, फोर प्लस वन का स्क्वायर कितना होगा, रूट फाइव होगा। उसके इसी तरह रूट सिक्स रूट सेवन कर पाएंगे नहीं, तो किसी भी अगर इरेशनल नंबर आएगा तो हम उसे भी सॉल्व कर पाएंगे, हाँ कि नहीं। इज देयर एनी डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। तो आपके लिए एक टास्क रहा, आप मुझे मतलब जो ग्रुप हम क्रिएट किए हैं, ठीक है, जो ग्रुप हम क्रिएट किए हैं उसमें मुझे बना के दिखाना है। नेक्स्ट टाइम का आपका एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम के लिए रिटन असाइनमेंट, ड्रॉ 9.8 स्क्वायर रूट इन नंबर लाइन। क्या ड्रॉ करना है, 9.8 का स्क्वायर रूट ड्रॉ करना है, कहां पर, नंबर लाइन पर। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया। तो इसको ड्रॉ करना नंबर लाइन पर, और मुझे मतलब एक फोटो खींच लेना और वो ग्रुप में सबमिट कर देना, मैं उसे चेक कर दूंगा। ठीक, ओके, हो गया, ये डाउट कुछ नहीं है। तो अभी मुझे आप बोलिए कि नंबर लाइन पे जितना भी आप हम किए, हर टाइप का नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, हम सब समझ गए। कुछ डाउट है क्या, नहीं है शायद। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या वो ग्रुप पे आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम नंबर सिस्टम में फिर लौट आएंगे, कहाँ पर, नेचुरल नंबर्स पर लौट आएंगे। ठीक है, कम बैक टू नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर में हम कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स का पढ़ते हैं, ये सब आपको याद है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ओके, व्हाट इज इवन नंबर, व्हिच इज डिविजिबल बाय टू, व्हाट इज ऑड नंबर, नॉट डिविजिबल बाय टू, वेरी सिंपल। फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा नीचे से जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि 4, 50, 70, कैसे 76, इसको कैसे जानते हैं हम, अगर इसका यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ऑड नंबर 21, 3, 2, 7, 9, 4, 5, ये वाला नंबर, क्यों, जिसका यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, आ गया ऑड और इवन। कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं ऑड और इवन नंबर के, मतलब ऑड और इवन नंबर, अबाउट ऑड एंड इवन नंबर्स, लेट अस सी सम रिजल्ट्स। ओके, जैसे फर्स्ट वन, ऑड प्लस ऑड, मतलब हम अगर टू ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन होगा, वेरी गुड। चलिए, ऑड प्लस इवन, ऑड आएगा, वेरी गुड। फिर इवन प्लस इवन, इवन आएगा। ओके, आ गया समझ में। तो चलिए अभी पूछता हूं मैं, अगर आप थ्री ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, क्यों ऑड आएगा, ऑड प्लस, वेरी गुड। मतलब देखिए, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड हम करेंगे तो क्या होगा, ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन। तो ये दोनों हो गए इवन, तो इसका मतलब क्या है, इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, फिर ऑड हो जाएगा, तो इसका टोटल रिजल्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं अभी, 7 + 9 क्या है, 16। टू ऑड नंबर का समेशन क्या होगा, 16, इवन नंबर होगा, फिर क्या करेगा, 16 + 13 = 29, ये ऑड आ जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट है, नहीं है, वेरी गुड। तो ये होगा आपका रिजल्ट। चलिए मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं कुछ रिजल्ट्स, ऑड को अगर ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, वेरी गुड। ओके, तो इसका मतलब ये बोल सकता हूँ क्या, सॉरी एक बात में मतलब स्किप कर दिया, मतलब सपोज आप 59 ऑड नंबर्स ऐड करेंगे, कितना ऑड नंबर्स, 59 ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। 64 नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऐड करेंगे, इवन आएगा, क्यों, मतलब अगर आप ऑड नंबर्स ऑफ ऑड को ऐड करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा, और इवन नंबर्स ऑफ इवन को आप ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा इवन। ठीक है, ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और कभी यूज भी होता है ये। ठीक है, हम देखेंगे मतलब
शायद इसके बाद वाला क्लास के बाद हम थोड़ा केवीपीए का लास्ट ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दो चार क्वेश्चन है आया था इस चैप्टर से, उस टाइम में बता दूंगा कि कैसे ये सब यूज होता है, ठीक है। छोटा छोटा चीज भी बहुत काम में आता है, ठीक है, इसलिए इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। और फिर ठीक है, ऑड इनटू ऑड इक्वल टू ऑड, इवन इनटू इवन इक्वल टू इवन, और ऑड इनटू इवन इक्वल टू इवन, ओके। ऑड इनटू ऑड इनटू ऑड इक्वल टू नहीं, ऑड ही होगा, क्यों? ऑड इनटू ऑड इक्वल टू ऑड है, ठीक है। तो फिर ऑड इनटू ऑड इनटू ऑड इक्वल टू ऑड इनटू ऑड है ना, तो फिर क्या होगा, ऑड इनटू ऑड ऑड ही हो जाएगा। मतलब आप जितना भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा। सो 100 ऑड नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा, ठीक है। इवन इनटू ऑड इक्वल टू इवन, ऑड इनटू ऑड इनटू ऑड इनटू इवन इक्वल टू इवन आएगा, क्योंकि मतलब जितना भी ऑड नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में एक भी इवन नंबर अगर वहां होगा तो आंसर इवन ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ में, कुछ डाउट है? नहीं होगा शायद, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका इवन और ऑड का मतलब जो समझना था, हम समझ गए कुछ चीजें हैं जो जिसको याद रखना है क्योंकि बहुत काम में आता है, छोटा छोटा लगता है लेकिन ये छोटा चीज एक्चुअली है ही नहीं। चले फिर चलते हैं मतलब असली मुद्दे पर, ठीक है, वो है प्राइम एंड कंपोजिट। ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक वेरी कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। इसको क्लास सिक्स में हम पढ़े थे शायद, या क्लास सेवन में पढ़े थे, सिक्स में पढ़े थे, सिक्स के बाद हम पढ़े नहीं है, और क्लास टेंथ में थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन ये बहुत मतलब एक वास्ट चैप्टर है, हमें लगता है कि ये छोटा सा चैप्टर है। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जिसका दो ही मतलब क्या फैक्टर्स होंगे उसको प्राइम नंबर बोलेंगे, और दो से ज्यादा फैक्टर अगर होगा तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। यहाँ खत्म हो गया प्राइम कंपोजिट हम मतलब अकॉर्डिंग टू अस, लेकिन ये इतना में खत्म नहीं होता। प्राइम नंबर मतलब एक इतना बड़ा फील्ड है रिसर्च के लिए कि अच्छा आप तो रामानुजन को जानते होंगे, हाँ कि नहीं, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन का फील्ड ऑफ रिसर्च है प्राइम नंबर, ठीक है। क्या करें, क्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पे वो रिसर्च किए थे और इसका वास्ट एप्लीकेशन है प्राइम नंबर का, ठीक है। वो पार्टीशन थ्योरी, उनका थ्योरी था पार्टीशन थ्योरी, ये प्राइम नंबर के ऊपर बेस है। छोड़िए, मैं आपको थोड़ा मतलब नॉलेज के लिए आपका एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया, तो चलिए चलते हैं प्राइम नंबर एक्स कंपोजिट नंबर है क्या, हम देखेंगे। मतलब आप देखिए प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर छोटा लगता है ना आपको, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि केवीपीए 11th में होता है, कहाँ होता है, 11th में होता है, और वहाँ क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा प्राइम नंबर से, ठीक है। मैं 100% गारंटी देके बोल रहा हूँ, जिस ईयर का भी क्वेश्चन आप मतलब पलट लो, आप प्राइम नंबर का एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे वहाँ, ठीक है। तो अच्छे समझते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक्चुअली है क्या, ओके। और फैक्टर मल्टीपल तो आपको आता ही होगा, हाँ कि नहीं, कि वहाँ भी डाउट है, हैं, फैक्टर मल्टीपल आता ही होगा, जिसका ओनली टू फैक्टर्स होंगे उसको बोलेंगे प्राइम नंबर, और मोर देन टू फैक्टर्स जिस नंबर का होगा उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। और यहाँ भी जो टू फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर में, ये मतलब इंडिपेंडेंट फैक्टर्स नहीं होते हैं, डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। कैसे, मतलब कौन कौन सा फैक्टर होते हैं, वन एंड दैट नंबर, हाँ कि नहीं, इसको डिपेंडेंट फैक्टर बोलते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है। मतलब सपोज हम सपोज फाइव सोच लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो यहाँ फैक्टर कौन सा होगा, फाइव का फैक्टर कौन सा है, वन और फाइव, मतलब वन एक फैक्टर होगा, कंपल्सरी फैक्टर होगा किसका, प्राइम नंबर का, और द सेम नंबर जो नंबर को हम ट्राई करेंगे ये कंपोजिट है या प्राइम है, वही नंबर एक फैक्टर होगा, हाँ कि नहीं। तो इसका कोई इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, ओके। लेकिन यहां आप देखिए सपोज सिक्स का फैक्टर कौन कौन सा है, वन टू थ्री सिक्स, वन टू तो रहेगा ही रहेगा, वन तो रहेगा ही रहेगा सब में, क्योंकि वन तो सबका एक फैक्टर है कि नहीं, और द सेम नंबर मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ इट। लेकिन ये जो टू और थ्री है ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है, हाँ कि नहीं। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, फोर है, चार टू फैक्टर्स हैं कि नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो इस हिसाब से आप वन से लेकर हंड्रेड तक कौन कौन सा नंबर प्राइम है, कौन कौन सा नंबर कंपोजिट है आप बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं। वन ये याद रखिए कि वन से लेकर हंड्रेड तक
25 प्राइम नंबर्स हैं, कितने प्राइम नंबर्स हैं, 25 प्राइम नंबर हैं, ये आपको याद रखना है, ओके। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में, तो कैसे प्राइम नंबर फाइंड करना है, एक नंबर प्राइम नंबर होगा कि नहीं, वो कौन सा फॉर्मेट में होगा तो प्राइम नंबर होगा, ये हम आगे चल के देखेंगे, प्राइम नंबर में बहुत कुछ पढ़ेंगे हम, ओके। उसके बाद किसको बोलेंगे हम, ट्विन प्राइम्स, और कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं। ट्विन प्राइम्स किसको बोलेंगे, टू प्राइम नंबर्स डिफर बाय टू, टू प्राइम नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंट टू होगा तो उसको बोलेंगे हम ट्विन प्राइम। जैसे कि एग्जांपल कौन सा है, सपोज थ्री और फाइव, थ्री एंड फाइव, और इलेवन थर्टीन, ठीक है, सेवन, यस फाइव और सेवन, इसको बोलेंगे हम ट्विन प्राइम। आ गया समझ में, आ गया, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट, नेक्स्ट टर्म, कुछ टर्म्स याद रखिए, प्राइम ट्रिपलेट्स किसको बोलेंगे हम, प्राइम ट्रिपलेट्स, थ्री कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट, थ्री कंसेक्यूटिव प्राइम्स, थ्री कंसेक्यूटिव प्राइम्स, जैसे कि सपोज थ्री फाइव सेवन, आ गया प्राइम ट्रिपलेट इसको बोलेंगे। और उसके बाद को प्राइम, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, को प्राइम इसको बोलेंगे, को प्राइम, ओके, को प्राइम किसको बोलेंगे, यस एचसीएफ, टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ वन और वी में से नो कॉमन फैक्टर, उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अच्छा मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद मैं समझा दूंगा, ठीक है। सपोज फाइव और नाइन, ठीक है, इसका क्या है, वन फाइव, इसका वन थ्री फाइव, सॉरी वन थ्री नाइन, इसके बीच में कुछ प्राइम फैक्टर है क्या, एक्सक्लूडिंग वन, एस एफ वन होगा ना, एस एफ वन है कि नहीं, इन दोनों का एस एफ कितना है, वन है, कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, तो ये फाइव और नाइन को हम बोल सकते हैं क्या, को प्राइम नंबर्स। ये तीनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस आप समझ लीजिए, ट्विन प्राइम में जो दो नंबर्स ट्विन प्राइम होते हैं वो दोनों प्राइम नंबर्स ही होते हैं, हाँ कि नहीं, ठीक इसी तरह प्राइम ट्रिपलेट में भी जो तीन नंबर्स ट्रिपलेट होते हैं वो भी प्राइम नंबर्स ही होते हैं, लेकिन को प्राइम जो होते हैं दो नंबर्स, ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर है, क्योंकि नाइन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों को प्राइम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, एक कंपोजिट हो सकता है, दोनों भी कंपोजिट हो सकते हैं, लेकिन वो को प्राइम होंगे। जैसे कि सपोज एग्जांपल एट एंड नाइन, एट भी कौन सा नंबर है, कंपोजिट है, नाइन भी कंपोजिट है, लेकिन वो दोनों क्या है, को प्राइम है। आ गया समझ में, ये होगा तीन टर्म आपको याद, मतलब याद रखना है, ये यूज होगा आगे, ओके। कुछ डाउट है इतना तक, तो ठीक है आज के लिए इतना ही, मतलब आने वाले क्लास में हम ये जो प्राइम नंबर है इसका थोड़ा, इसको थोड़ा मतलब और देखेंगे, और थोड़ा बहुत सारा इंटरेस्टिंग थिंग हम अगले क्लास में जानेंगे, और मुझे लगता है कि अगले क्लास में इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मैथ पे जुड़ा रहिए, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किए, और अच्छे से इसको याद रखिए। बाय बाय।